ये बेल्डिंग से सीधी होती बताई। बाइक ठुकी खाली इसमें, बाइक ठुकी भाई के पैर में और पैर इसमें भिंच गया। तो ये जो ये है ना, ये इसमें जब ठुकी है ये और ये देखो मतलब ऐसा अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ बैंड हो गई, ऐसा अंदर की तरफ देखो बिल्कुल ऐसा इड़ गई। देखो थोड़ा सा ही गैप बच रहा है, देखो ये देखो इधर से बैंड हो चुका है। अब इसका क्या सीन है क्या नहीं है, नया डलेगा या फिर यही ठीक हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं पता। तो हेलो माई यूट्यूब फैमिली, यहाँ पे अपनी पैंथर, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। गाइस जैसा कि आपको पता है, कल मैंने बताया था कि भाई ने कल बाइक ठोक दी गाइस, सच में मजाक नहीं किया मैंने। तो भाई सबसे पहले तो आप यार मौसम चेक करो भाई, अलवर का मौसम इतना कातिल हो रहा है। बस गर्लफ्रेंड नहीं है अपने पास, मजाक कर रहा हूँ। तो भाई देखो बहुत मुश्किल होता है गाइस बारिश के मौसम में बाइक को साफ रखना, बहुत मुश्किल होता है भाई। देखो मतलब ऐसा है कि कितना ही साफ़ कर लो तुम, जो ये वाला पार्ट होता है ना भाई, ये वाला पार्ट तुम बिल्कुल नहीं बचा सकते, ये तो गंदा होगा ही होगा। देखो मैंने पूरी बाइक साफ़ कर रखी, लेकिन टायर और इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि मैंने वॉश नहीं कर रखी बाइक की, केयर नहीं करता, ऐसे बिल्कुल ऐसा लग रही है। बट फिर भी बाइक हमेशा भाई अपनी बिल्कुल ऐसे चमचमाती हुई मतलब मस्त लगती है। तो मैं आपको पार्ट दिखा देता हूँ जहाँ से भाई ने ठोकी है। वैसे भाई कह रहा था कि भाई सामने से ये जाने वाली थी पर मैंने बचा ली। मैंने कि बचा क्या ली तूने, ये क्या कर दिया। देखो ये तुम्हें कुछ आडा वाडा नहीं लग रहा, मतलब एंडा वेंडा नहीं लग रहा। देखो ये बिल्कुल ऐसे पीछे खिसका दिया इसने, और इस साइड वाले देखो आप, है ना, ये बिल्कुल सही है। ये भाई पूरा ये बैंड हो चुका है, ये वाला पार्ट जो है ये देखो इधर से बैंड हो चुका है। अब इसका क्या सीन है क्या नहीं है, नया डलेगा या फिर यही ठीक हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं पता। बट अपन चल रहे हैं आज की शॉप पे यही ठीक करवाने कि इसका क्या करना है क्या नहीं करना। बट जहाँ तक मुझे पता है आज बोल रहा था कि ये ठीक हो जाएगा, ये मतलब बैंड हुआ है वैसे तो। ये देखो भाई यहाँ से मुझे डर लग रहा है कि ये यहाँ से नहीं हो गया हो, बट देखते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो इसको अपन चलते हैं भाई आज की शॉप पर फटाफट करवाते हैं। तो कल रात को सपने में भी मुझे यही आया कि मेरी बाइक कहीं ख़राब हो गया, पर फिर अजय ने बोला कि ठीक हो जाएगा, सपने में ठीक हो जाएगा। फिर मैंने चलो ठीक हो जाएगा तो कोई बात नहीं। तो चलो भाई अजय की शॉप पे चलते हैं फटाफट। बाकी बाइक कैसी लग रही है इस लोकेशन पे ये कमेंट कर देना। ये लोकेशन है गाइस BSR कॉलेज अलवर, ये देखो है ना। चलो भाई चलते हैं गाइस। मौसम ऐसा हो रहा है, मुझे लग रहा है कि बारिश आने वाली है। बस जो मैंने बाइक है थोड़ी बहुत साफ लग रही है ना आपको, इसकी ऐसी तैसी होने वाली है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मौसम हो चुका है बारिश के लायक। और भाई बाइक चलाने में बिल्कुल मज़े नहीं आ रहे यार। देखो आप यहाँ पे देखो, देखो ये देखो है ना, बिल्कुल ऐसे पीछे आया और आ रखा है मुझे। एक पैर तो देखो मेरा नीचे है और एक पैर देखो ऊपर है, तो ऐसे मैं आड़ा टेढ़ा सा बैठा हूँ भाई। मुझे बिल्कुल फील नहीं आ रही यार बाइक चलाने में। फटाफट चलता हूँ वजह से करवाता हूँ। एक मुझे लाइट करवानी है, एक हीटिंग का इशू आ रहा है, और अरे भाई साइड हटा ले इसे। एक हीटिंग का इशू आ रहा है, एक मुझे लाइट करवानी है। एक अजय बोल रहा था कि तेरी जो चैन है ना उसको मैं अच्छे से साफ़ करूँगा, तो पता नहीं भाई वो करेगा ही नहीं। एक्चुअली मेरे पास भी टाइम नहीं होता यार, मैं 2 बजे आ रहा था पर अब 5 बज गए मुझे पहुँचते पहुँचते अजय के पास। तो देखते हैं वो क्या करता है क्या नहीं करता, बट मुझे ये तो ठीक करवाना ही है और एक लाइट ठीक करवानी है भाई, ठीक है। बाकी हीटिंग की प्रॉब्लम भी अपन सॉल्व करेंगे यार। वो क्या बड़े वाले भैया की ना तबीयत ख़राब है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं ना बिज़ी चल रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। बाकी अभी तो ठीक है, उनकी तबीयत ठीक है, मतलब ठीक हो रही है। उनका ऐसा है तब तक हॉस्पिटल में तब तक ठीक है, उसके बाद फिर वही वॉमिट चालू हो जाती है उनकी भाई। उनका पत्री भी एक नहीं दो नहीं तीन पत्री हैं यार, बताओ पूरी लहरा ही रहा है इसको। तो बारिश आने से पहले अजय की शॉप पे चल लेते हैं। बाकी यार बाइक तो गंदी होने वाली है, मुझे पता है बारिश आने वाली है भाई बहुत तेज। मतलब मैं तेज भी चला रहा हूँ ना तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यार नहीं शायद स्लो चला, तो अब स्लो ही चलाएंगे यार इसको। यहाँ पे तो बारिश आ चुकी है यार, देखो रोड बिल्कुल गीला है, ताज़ा गीले है गाइस। बच्ची देखो कितनी प्यारी से बैठी है चुपचाप देखी भी नहीं तो भाई अलवर वालों, अलवर का मौसम देखो कैसा हो रहा है। तो जो जो भाई मेरा अलवर से है ना, कमेंट करके बताओ ये कौन सी लोकेशन है, कितना प्यारा व्यू आ रहा है यार। गाइस देखो सामने बिल्कुल बादल, रोड बिल्कुल गीला हो रखा है, और भाई पेड़ बिल्कुल हरे भरे हो रखे हैं, और सामने देखो भाई क्या सीन आ रहा है। तो भाई जो भी अलवर से फटाफट से कमेंट करके बताओ, देखो थोड़ा सा और हिंट मिलेगा आपको, फटाफट से कमेंट करके बताओ ये कौन सी लोकेशन है, ठीक है।
तो गाइस अजय ने कही है भाई ये तो हो जाएगा ठीक। ये देखो अजय लग गया आते ही इसमें। बाकी यार बारिश स्टार्ट हो गई देखो। हाँ कहाँ तो इधर लगा दो बाइक यार, भीग जाएगी इधर तो। ये देखो भाई अजय ने खोल तो दिया है। ये गई बारिश बहुत ज़्यादा तेज आ गई यार, बहुत ज़्यादा। ये पत्ती मुड़ गया यार। देखो अब दिखाऊं ये तो भाई साइड में आ गया है ना, फुटरेस्ट और अपना गियर लीवर है ना। बाकी अब आप ये दो पत्तियां देखो, जो ये है ना ये दोनों, ये और ये देखो मतलब ऐसा अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ बैंड हो गई, ऐसा अंदर की तरफ देखो। देखो बिल्कुल ऐसा इड़ गई, देखो थोड़ा सा ही गैप बच रहा है देखो। तो अभी भाई वेल्डिंग से बाहर आएंगी, बाकी बाइक तो हो गई गंदी। देखो बारिश आ गई और मौसम ऐसा हो गया, 5 बजे अभी सूरज अभी यहीं पे होगा और मौसम देखो पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया। बहुत मुश्किल है यार बारिश में बाइक चलाना। बारिश नहीं रुक रही गाइस बिल्कुल भी, आधे घंटा तो हो गया बैठे बैठे। बाकी बादल तो ऐसे लग रहे हैं कि रुकेगी नहीं। देखो अगर नहीं रुकी तो ठीक करवा के बारिश में ही चलेंगे नहाते हुए। अभी तो काम हो रहा अंकल जी बाइक में। ये हो गया भाई काम स्टार्ट, ये वेल्डिंग से सीधी होती बताई। देखो दिखाता हूँ एक बार, होने दो गरम करके सीधी हुई है। अब पता हो कहीं से मुड़ी, पैर से मुड़ी है। अब सोचो पैर में कितनी गंदी लगी हुई है, पैर से मुड़ी है। भाई एकदम खड़े हो जाते हो ना। हाँ दबती है। ये बाइक ठुकी है खाली, इसमें बाइक ठुकी है भाई के पैर में और पैर इसमें भिंच गया। तो ये जो ये है ना ये इसमें जब ठुकी है। नीचे वाले और आंच कैसे लग रही है। हो गया गाइस वो तो ठीक, बट और काम तो हुआ ही नहीं यार, मैं खुद ही लेट आता हूँ। तो और काम अपन करवाएंगे कल भाई के, मैं ऐसे काम तो काफ़ी आ रहा है बट अपन धीरे धीरे करवा लेंगे। अब सही है भाई, अब सही चल रही है भाई। अभी भाई अभी थोड़ी देर पहले बारिश आ रही थी ना, इतना अंधेरा हो गया था ऐसा लग रहा था रात हो गई, पर अब थोड़ा सा ठीक हो गया मौसम। भाई बारिश के मौसम में बाइक चलाना महाभारत है सच्ची, क्योंकि यार बाइक चलाने से प्रॉब्लम नहीं है, बारिश के मौसम में बाइक चलाने में मजे आते हैं, पर प्रॉब्लम है चिपचिपाहट हो जाती है ना, जो गंदगी हो जाती है कीचड़ हो जाती है, उससे प्रॉब्लम है भाई बहुत ज़्यादा। भाई ये ओला वाले पता नहीं यार अपने आप को क्या समझते हैं, ऐसा भगाते हैं जैसे तो जीत ही जाएंगे। ओला वाले ओला चला के स्पोर्ट्स बाइक की फील लेते हैं कि जैसे तो स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हैं। ओला सबसे रद्दड़ स्कूटी लगती है, आग लग जाती है उसमें चलते चलते। भाई वाइट टी शर्ट पहनना भी बहुत मुश्किल काम है बारिशों में, पर तुम्हारा भाई पूरी वाइट पहनता देखो, पर पीछे से गंदी हो गई, पीछे से ऐसे ऐसे छींटे आ रहे हैं छोटे थोड़े थोड़े ना, तो गंदी हो गई। अब आ रहे हैं मजे चलाने में, अब हुई है बाइक ठीक बिल्कुल। वैसे ऐसी तो नहीं जैसी पहले थी, कुछ पॉइंट परसेंट कुछ फ़र्क तो रह ही जाता है यार, बट अच्छी चल रही है अब, पहले जैसी हो गई लगभग।
हाय कीचड़। ऐसा होना चाहिए कि बारिश हो पर कीचड़ मत हो। सही कह रहा हूँ ना भाई। एक तो ये पुल इतना खराब है, इसमें इतने गड्ढे हैं, इस पुल में बहुत ज्यादा गड्ढे हैं भाई, इस पुल में बहुत गड्ढे हैं। हवा इतनी प्यारी चलती है भाई, बहुत प्यारी हवा चलती है। You're my gangster, baby. ओहो इसमें देखो एग्जॉस्ट लग रहा है भाई, यह करा का NS 125 है। NS 125 में तो क्या ही आवाज़ आएगी एग्जॉस्ट की, बहुत कम आती होगी। आती क्या होगी, सुन लो ना, आवाज़ आ ही नहीं रही, देखो है ना। बारिश में यार ज़्यादा नहीं भगा सकते, सर के बल गिरने का डर रहता है यार। ABS का बहुत फ़ायदा होता है सच्ची, मतलब ABS से मतलब भाई बाइक क्या बिल्कुल स्किट नहीं करती, बिल्कुल स्किट नहीं करती भाई बाइक। गाइस आ गए अपने घर और अपने साथ है लकी दी बीस्ट, आने वाला फ्यूचर का अपना क्रिकेटर, मतलब फ्यूचर इंडिया टीम क्रिकेटर है, आने वाला फ्यूचर का इंडिया टीम क्रिकेटर। तेरा नाम क्या है पूरा? लकी खान। तो भाई ये क्या है, कितने साल खेल रहा तू क्रिकेट? डेढ़ साल से क्रिकेट खेल रहा। तो भाई पता क्या, कल हम भाई इसका मैच देखने गए, मैंने कहा यार लड़का डेढ़ साल से खेल रहा कुछ मतलब खेलता होगा, चलो इसका मैच देखने चलता है। ना तो इसको बॉलिंग दी ना बैटिंग दी बस फील्डिंग करी यार, मैंने कि यूँ ही टाइम वेस्ट करा हमने। तो ये मेरे से पता क्या कह रहा कि कल कह रहा कि भाई बीमार है फिर भी ब्लॉग बना रहा है, वीडियो बन रही है। मैंने इसे कह दी, मैंने कि कार्य नहीं रुकना चाहिए अपना, जो तुम काम कर रहे हो वो नहीं रुकना चाहिए। मैं इसका एग्जांपल दे रहा कि मैंने कि विराट कोहली का के फादर की डेथ हो गई थी, जब वो मैच खेलने गया था तब भी उस दिन भी भाई, मजाक नहीं कर रहा मैं एग्जाम्पल मत दे क्या तो शुक्र सा तो है तेरे से बैठ तो उठता नहीं होगा। नहीं अपन आए थे सोकन भैया को खाना देने, MH हॉस्पिटल देखो वो खड़े सोकन भैया, अब तो ये बिल्कुल फिट है, खाना वाना भी खा रहे हैं। और अपने साथ आई थी जोरा एंड अरमान, अब अपन चल रहे हैं घर, खाना खा लिया भैया ने। और मैंने इसकी लाइट चेंज कर दी, देखो ये कर दी है वाली, मैंने थोड़ी बैंगनी बैंगनी टाइप की, ये थोड़ी ज़्यादा चमक रही है, ये खड़े देखो। चलो आयो अभी, अब चल रहे हैं घर, घर जा करेंगे एडिटिंग, पहले फाइल्स लूँगा फिर करूँगा एडिटिंग। मरीज दिखाता हूँ आपको, आ जाए तो ही घर चले गो, मैं कल चले, आ जा घर चले, बंद कर दे अभी, आ जा घर चले तो जा आराम जा। चलो भाई घर चलते हैं।
अभी तो हम रास्ते में कुछ खाएंगे पिएंगे कोल्ड कॉफी बंद कर लो भाई घर और ये जोहरा दीदी कर रही है पढ़ाई रात के 12 बजे। भाई ये बहुत पढ़ती है यार, बहुत ज्यादा पढ़ती है। पेपर के टाइम पे तो पूरी रात पढ़ती है। अच्छा है, पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे मेरे ब्लॉग देखते हैं ना, बच्चे, उनको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है ना, टाटा बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी अपनी बाइक में बस थोड़ा सा काम रह रहा है, वो अपन कल या परसों में करवा लेंगे। कल तो दुकानें बंद रहेंगी, ट्यूसडे को बंद रखता है जो, तो करवा लेंगे अपन कल या परसों, देखते हैं परसों करवा लेंगे, छोटा मोटा ही काम है अब तो, है ना। ठीक है गाइस, मैं सो जाता हूँ ना, बाय। राइट सेफ, राइट सेफ ऑलवेज गाइस। ठीक है।